हेलो एवरीवन, आज हमारे पास वीवो का वाई 16 है। इस पे FRP लगा हुआ है। चलिए इसे हम बाईपास करते हैं। वीवो के वाई 16, वाई 15C और वाई 01S इसी तरह से बाईपास होंगे। चलिए दिखाते हैं आपको किस तरह करना है। हम पहले वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको लॉक दिखा देता हूँ FRP का। ये देखिए लॉक है। चलिए वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए कनेक्ट हो गया। बैक कर लेते हैं। अब आपको टॉक बैक ऑन करना है। ये देखिए टॉक बैक ऑन हो गया। अब आपको यहाँ पे उल्टा एल इस तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ पे डबल टैप और बोलना है गूगल असिस्टेंट। ओपन फोन सेटिंग। ये देखिए सेटिंग खुल गया। चलिए पहले टॉक बैक ऑफ कर लेते हैं। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे सेटिंग में सिस्टम पे जाना है। यहाँ से फ़ोन क्लोन, यहाँ पे दिस इज़ अ न्यू फ़ोन, सारे परमिशंस को देना है। आपको बता दूँ कि वाई 16 और वाई 15C और वाई 01 ये तीनों मॉडल में एक्टिविटी लॉन्चर हम इंस्टॉल करते हैं, फिर भी उस जगह से बाईपास नहीं होता जहां हम सारे मॉडल्स को करते हैं। इसके लिए कोई अलग ऑप्शन है? चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह करना है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। एक दूसरा फ़ोन लेना है, उस पर आपको ईजी शेयर और एक्टिविटी लॉन्चर ये दोनों ऐप इंस्टॉल करना है। अगर आपका फ़ोन दूसरा वीवो का है तो ईजी शेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए मैंने इजी शेयर इंस्टॉल कर लिया और एक एक्टिविटी लॉन्चर। ये एक्टिविटी लॉन्चर, ये दोनों ऐप मेरे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। चलिए अब मैं इजी शेयर को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपको फ़ोन क्लोन ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ये फिर दिस इज़ ए ओल्ड फ़ोन, यहाँ पे आपको सारे परमिशंस अलाउ करने होंगे। इजी शेयर के जितने भी परमिशंस हैं सारे अलाउ कर दें। अब आपको अपने फ़ोन से ये बारकोड से कनेक्ट करना है। ये देखिए इस तरह से। कोई सा भी परमिशंस मांगे तो आप अलाउ कर दें। ये देखिए मैं सारे परमिशंस अलाउ कर दे रहा हूँ। इसी तरह से आपको इजी शेयर के जितने भी परमिशंस हैं आपको अलाउ करने होंगे। ये देखिए अब आपको सब में अनटिक करना है। उसके बाद ऐप सेक्शन में जाके बस एक ऐप को क्लोन करना है, ये एक्टिविटी लॉन्चर। ये देखिए हो गया। अब इस फ़ोन को थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं। अब देखिए आपको ये हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे जाना है, ये वाला। उसके बाद ऐप्स में जाएं और इसको ओपन करना है।
यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा क्योंकि ये प्रोसेस आपको यहाँ तक फिर से दोबारा करना है। चलिए आपको बताता हूँ किस तरह। एक बार ऐप खुल जाए, हाँ अब देखिए यहाँ पे एंड्रॉइड सेटअप, इस पर क्लिक करना है और नीचे आना है आपको। ये देखिए एंड्रॉइड लोगो आ गया और नीचे आना है। अब यहाँ से आपको काउंट करना है 1 2 3 4, ये फोर्थ वाले इस पर क्लिक करें। देखिए पहला बार आपको फोर्थ वाले पे क्लिक करना है, आपको फिर दूसरा बार थर्ड वाले पे, बता दूंगा किस तरह। यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। अब आपको यहाँ से प्रोसेस दोबारा करना होगा। चलिए टॉक बैक ऑन करते हैं। गूगल असिस्टेंट ओपन, फोन सेटिंग, देखिए खुल गया। अब चलिए पहले टॉक बैक ऑफ कर लेते हैं, वापस से फ़ोन क्लोन में जाएंगे। यहाँ पे आपको हिस्ट्री पे जाना है और यहाँ पे आपको ऐप फिर मिल जाएगा, यहाँ से ओपन करना है। अब देखिए फिर से जाना है एंड्रॉइड सेटअप में और वापस से वहीं जाना है। ये देखिए एंड्रॉइड लोगो आ गया। अब आपको यहाँ से काउंट करना है 1 2 3, ये वाला इस पर क्लिक करें। याद रखिए जब डायरेक्टली आप थर्ड नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्किप। दो बार ये प्रोसेस करना ज़रूरी है, ये Y16 में, Y16 15, Y15C और Y01। नेक्स्ट यहाँ नो केबल सेलेक्ट करना है। ये देखिए यूज़ गूगल अकाउंट, यहाँ पे आपको एक और फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखिए आ गया। चलिए अब हम अपना दूसरा फ़ोन वापस से लाते हैं। इसमें आपको गूगल असिस्टेंट ओपन करना होगा, बोलना है सेट अप माई डिवाइस। ये देखिए खुल गया। अब नेक्स्ट करते हैं, ये खुद ब खुद सर्चिंग ले लेगा और कनेक्ट भी हो जाएगा। हो गया, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे आपको इस वाले फ़ोन का जीमेल अकाउंट हमारे FRP वाले फ़ोन में आ जाएगा, बस आपको उसका पासवर्ड याद रखना होगा जो आपने पहला दूसरा वाला फ़ोन लिया है। चलिए आ गया, हमारा जीमेल कॉपी हो गया। अब हम इसमें पासवर्ड डालते हैं। इस वाले का इसमें आ गया। ये देखिए हो गया। थोड़ी देर वेट कर लें। यहाँ पे आपको डाउन कॉपी दबाना है, उसके बाद नेक्स्ट। अब हमारा ये वाला फ़ोन का काम ख़त्म, अब इसे हम साइड कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा FRP ऑलमोस्ट डन हो गया है। ये वीवो के ये तीन चार मॉडल ऐसे हैं जिसमें इस तरह से आपको करने होंगे, बाकी के सभी प्रोसेस प्रीवियसली मैंने जैसे बताया था बस उसी तरह हो जाएगा। बाकी का मॉडल देखने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीवो के सारे मॉडल्स उसी तरह से आप FRP बाईपास कर सकते हैं। ये देखिए हमारा FRP बाईपास आसानी से हो गया।